Well, dear students, good afternoon. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET R.N. Ruiya Government College, Ramgarh Shekhawati, District Sikar, Rajasthan. बच्चों हमने B.Sc. Part 2 Organic Chemistry में एक यूनिट स्टार्ट की है कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो दिस इज द थर्ड यूनिट जो मैंने स्टार्ट की है. ये इसका पार्ट थर्ड है. मैं इसके पहले कार्बोक्सिलिक एसिड्स में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो पार्ट इसके मैं अपलोड कर चुका हूं. और मैंने पार्ट 2 में कार्बोक्सिलिक एसिड्स का सिंथेसिस का स्टार्ट किया था. कार्बोक्सिलिक अम्लों के संश्लेषण की विधियां मैंने स्टार्ट की थी. इसमें दिस इज द सी. मैंने ए बताया था बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स. एल्कोहल एवं एल्डिहाइड्स के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक एसिड्स हम किस तरह से प्रिपेयर बनाते हैं, निर्माण करते हैं. दूसरा मेथड मैंने बताया था इसमें बी मेथड मैंने बताया था फ्रॉम एल्काइल साइनाइड्स कि एल्काइल साइनाइड्स का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो किस प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है. नाउ वी सी द थर्ड रिएक्शन, थर्ड सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम किस तरह से संश्लेषण करेंगे. बच्चों 12th क्लास में आपने इस रिएक्शन को भी आपने पढ़ा है. मैं ये नहीं कहूंगा कि ये इट्स ए न्यू रिएक्शन, ये रिएक्शन 12th क्लास की रिएक्शन है. तो यहां पर ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है दैट इज CH3MgBr, इसके बारे में आपने पढ़ाया बच्चों. ये मैग्नीशियम का ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होता है. और यहां पर ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स का जब नाम आता है मैं हमेशा एक बात यहां बताना जरूरी समझता हूं कि कार्बन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है और ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स. राइट, मैंने बीएससी थर्ड ईयर में ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स के बारे में बात की है. वहां पर इसकी डेफिनेशन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बीएससी पार्ट थर्ड में. लेकिन जब जब भी ऑर्गेनोमेटलिक, राइट, यानी मेटल के साथ कोई कार्बनिक समूह जुड़ा हुआ होता है, लेकिन यहां पर इस बात को स्पेसिफाई करना जरूरी है कि कार्बन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है. तो दिस कार्बन इज पार्शियली नेगेटिव एंड दिस मेटल इज सी लाइक दिस. इस तरह से इस पर बॉन्ड चार्ज का सेपरेशन होता है. राइट, तो दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. राइट, यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, हिंदी में लिखा हुआ है बच्चों ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक और अंग्रेजी में दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसकी रिएक्शन जब CO2 के साथ कराते हैं तो बच्चों बनता है मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. सी, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से. तो यहां पर क्या होता है, पहले फॉर्मेशन होता है मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट का और इस मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट का हम यहां पर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं. तो यहां पर फॉर्मेशन होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स. देखो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड में आपको पता है C डबल बॉन्ड O. इन द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, यू नो, इसके अंदर चार्ज का सेपरेशन है. तो ये चार्ज का सेपरेशन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने के लिए मोटिवेट करता है. किस तरह से करता है बच्चों, किसी भी बॉन्ड का दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा. जैसे ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा ये आर माइनस इन द फॉर्म ऑफ कार्बेनियन दिस विल रिएक्ट हियर और ये जो माइनस होगा ऑक्सीजन का एनायन इस पर ये मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट करेगा. तो सी आर सी डबल बॉन्ड ओ देन ओ एम जी एक्स. मैंने इस रिएक्शन में एरो बना करके अच्छी तरह से इस बात को एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से ये बीच का एक इंटरमीडिएट यहां पर फॉर्मेशन होता है और इसका नाम मैंने दिया है मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट. राइट,
इसका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो देखो बेटा यहां पर ये बॉन्ड इस तरह से टूटेगा और यहां पर जल अपघटन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल का अपघटन लाइसिस होता है एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस आर सी ओ ओ एच, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट। एक एग्जांपल मैंने यहां पर दिया है, दिस इज फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, राइट। मैंने यहां आर लिया है, यहां पर मैथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, फिनाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, राइट। अलग अलग प्रकार के ग्रीनियर अभिकर्मक बनते हैं। बच्चों ग्रीनियर अभिकर्मक की सिंथेटिक यूटिलिटी बहुत वास्ट है, राइट। यहां पर सेम रिएक्शन, दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसके अंदर क्या होता है, चार्ज का सेपरेशन होता है। दिस कार्बन इज पार्शियली इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस मैग्नीशियम मेटल धनावेश होगा और इस बीआर के ऊपर ऋणावेश होगा। तो बच्चों यहां पर बिल्कुल इस तरह से यहां पर दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर। तो बच्चों ये जो नेगेटिव पार्ट है ये इस इलेक्ट्रॉन न्यू कार्बन के ऊपर आएगा और ये मैग्नीशियम मेटल जैसे यहां पर शिफ्ट हो रहा है उसी तरह से बच्चों मैंने इस तरह से एरो बना के बताया है, यहां पर ये ओ एम जी बी आर, दिस इज लाइक यू नो दिस इज एक ही बात है, एक्स लिख दिया मैंने, दिस इज ओ एम जी बी आर। और फर्दर ये जो बनता है हमारा मैग्नीशियम बेंजोएट, दिस इज द सी सिक्स एच फाइव सी ओ ओ, मैंने यहां पर लिखा था बच्चों कार्बोक्सिलेट, मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट, मैंने इसको दिस इज द मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट, यहां पर बच्चों बेंजोइक एसिड, दिस इज सी सिक्स एच फाइव सी ओ ओ मैग्नीशियम बेंजोइट, इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, सो दैट फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, राइट। सो दिस इज द थर्ड मेथड। सी हम किस प्रकार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंथेसिस करते हैं। नाउ इन द फोर्थ वन हम यहां पर क्या ले रहे हैं, वन 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 ट्राई हेलो डेरिवेटिव, राइट। ट्राई हेलो डेरिवेटिव बच्चों किसका, एल्केन का। सी लाइक दिस, दिस इज आर सी सी एल थ्री, मैंने इसको खोल के लिखा है जिससे मैं रिएक्शन को बिल्कुल अच्छी तरह से आपको प्रेजेंट कर पाऊं, आपको बता पाऊं। यहां पर हम इसका क्या कराते हैं, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, क्षारीय जल अपघटन, किस तरह से होगा बच्चों, रिमूवल ऑफ वन टू थ्री, थ्री NaCl, यहां पर ये Cl OH से, यहां पर ये थ्री NaCl रिप्लेस बाय OH एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस, मैंने बच्चों दिस इज अनस्टेबल, बड़े ब्रैकेट में इसको लिखा है, दिस इज अनस्टेबल। यहां पर क्या होगा बेटा, रिमूवल ऑफ, बिकॉज एक कार्बन के ऊपर तीन OH ग्रुप, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा एंड फॉर्मेशन ऑफ आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये बॉन्ड उधर आ जाएगा, ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो बेटा मैंने सेकंड पार्ट में लास्ट में जो मेथड बताया था कि फ्रॉम एल्किल साइनाइड हम किस प्रकार कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, वहां पर भी इसी तरह से मैंने साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस बताया था सेकेंड पार्ट में। इस जगह पर आप ध्यान से देखिएगा, मैंने साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस बताया था कि हम दो मॉलिक्यूल वाटर के काम में लेते हैं, राइट। सेकंड पार्ट में इसको मैंने क्लियर किया है, हियर रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड, सो दिस इज द सेकंड मेथड, राइट। दिस इज फ्रॉम वन 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 ट्राई हेलो एल्केन और डेरिवेटिव्स, इट्स नॉट एलके, यू नो वन एग्जैक्टली, दिस इज वन वन वन, यू नो वन 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 ट्राई हेलो एलके, एलकेन का डेरिवेटिव हो गया, हेलोजन डेरिवेटिव हो गया। एक बात मैंने यहां स्पेसिफाई की है बच्चों कि अगर हम यहां पर R बराबर सी सिक्स एच फाइव लेते हैं, क्योंकि आपको यह जानना जरूरी है कि अगर आपसे कोई पर्टिकुलर एसिड के बारे में पूछ लेते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए, अगर हम यहां पर इस आर की जगह
फिनाइल ग्रुप लेते हैं तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, C6H5, दिस इज द बेंजोइक एसिड, राइट। तो बेंजोइक एसिड बनते हैं, ये लाइन मैंने यहां लिखी है, इसका ध्यान रखना, ये सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ मेथड ई, हम यहां पर ले रहे हैं एसिटो एसिटिक एस्टर व मेलोनिक एस्टर। देखो बच्चों ऐसा है कि ये एसिटो एसिटिक एस्टर, ये जो आपका क्लास है दिस इज द 14th क्लास बीएससी पार्ट सेकंड, और एसिटो एसिटिक एस्टर आपने 12th क्लास में पढ़ा है, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इथाइल एसिटेट में क्लेजन कंडेंसेशन, राइट। मैंने इसको बीएससी पार्ट थर्ड में भी बताया है। देखो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तो जो 11th 12th की केमिस्ट्री है वो एक तरह से बेसिस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, राइट। यहां पर एसिटो एसिटिक एस्टर, मैं एक बार इसका फॉर्मूला आपको लिख के बता रहा हूं। देखो बेटा ये होता है एसिटिक एसिड, राइट। हमने यहां पर एक हाइड्रोजन हटा करके यहां लगा दिया CH3 सी डबल बॉन्ड O ग्रुप, तो ये बन गया एसिटो एसिटिक एसिड, राइट। मैं अगर CH3CO की जगह Cl लगा दूं तो क्या बन जाएगा, क्लोरो एसिटिक एसिड। अगर मैं NH2 लगा दूं, दिस इज अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड ग्लाइसिन, राइट। चलिए दिस इज द एसिटिक एसिड, इसका एस्टर हम क्या पढ़ते हैं, दिस इज द एस्टर, ये होता है एस्टर। किसका एस्टर है, ये एसिटिक एसिड का एस्टर, दिस इज इथाइल एसिटेट, राइट। अब हमने क्या लिखा है यहां पर, हमने लिखा है एसिटो एसिटिक, दिस कार्बन इज टेट्रावेलेंट, 2, 3, 4, इसका ध्यान रखना बच्चों, वैलेंसी का आपको ध्यान रखना है। यहां पर एसिटो एसिटिक एसिड, तो जैसे मैंने आपको एसिटिक एसिड का एस्टर बताया इथाइल एसिटेट, उसी तरह से हम एसिटो एसिटिक एस्टर का, एसिटो एसिटिक एसिड का एस्टर, दिस इज एसिटो एसिटिक एस्टर, राइट। तो दिस इज द फॉर्मूला एसिटो एसिटिक एस्टर। और बच्चों ये आपने 12th क्लास में एक रिएक्शन है क्लेजन कंडेंसेशन, और मैं आपको इसका रेफरेंस बता रहा हूं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उसमें इथाइल एसिटेट में 12th क्लास में आपने इसको पढ़ा है। तो ये कोई एडवांस केमिस्ट्री नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, दिस इज द एसिटो एसिटिक एस्टर, राइट। देखो बेटा यहां पर एक खास बात होती है, वो खास बात क्या है, एक इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि ये जो हम पढ़ते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COO OC2H5, राइट। इसका फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा है CH3CO CH2 COO C2H5, ठीक है। देखो बेटा आप लोग लिखते हो CH4 मीथेन, फिर आप लिखते हो CH3 मैथिल। चलिए अब हम देखते हैं हम इसको क्या लिखते हैं, हम इसको बोलते हैं इथाइलीन, ईन डबल बॉन्ड आ गया इथाइलीन, राइट। मैथ एथ इथाइलीन, राइट। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो हम इसे क्या बोलेंगे, मिथाइलीन। दिस CH2 ग्रुप डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप, राइट, मीथेन मिथाइल मिथाइलीन,
जैसे हमने कहा इथाइलीन, राइट, CH2 डबल बॉन्ड CH2, हम क्या बोलते हैं इथाइलीन, तो यहां हम क्या बोलेंगे मिथाइलीन, राइट। यहां पर ये जो मिथाइलीन ग्रुप होता है, इस मिथाइलीन ग्रुप को कहते हैं रिएक्टिव मिथाइलीन ग्रुप। अब ये रिएक्टिव कैसे हुआ, रिएक्टिव से सक्रिय से मतलब यहां पर ये है कि ये रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रति बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो बच्चों होता क्या है, इस एसिटोएसिटिक एस्टर में इसके दोनों तरफ कैसे ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स, राइट। हम कहते क्या है कि जब कोई मिथाइलीन समूह अपने दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाले समूहों से घिरा हुआ होता है तो इस पर उपस्थित हाइड्रोजन, हिंदी शब्द है इसका चंचल हो जाती है और अंग्रेजी शब्द इसका है लिबाइल हो जाती है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको हम कहते हैं कि भाई एक जगह बैठ जाओ और दो मिनट के बाद वो हमें इधर नजर आता है और दो मिनट के बाद उधर नजर आता है। तो एग्जैक्टली यहां पर ये चंचल शब्द इज द लिबाइल, बिकॉज दिस CH2 ग्रुप इज सराउंडेड बाय टू इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, सो दैट हाइड्रोजन ऑफ दिस ग्रुप इज लिबाइल, राइट, रेडी फॉर द रिएक्शन, इसको कहना चाहिए दिस इज दिस यू नो हाइड्रोजन ऑफ द मिथाइल, हाइड्रोजन ऑफ द मिथाइलिन ग्रुप इज रेडी फॉर द रिएक्शन, राइट। सो वॉट वी आर यूजिंग हियर, वी आर यूजिंग दिस फर्स्ट, दिस इज द सोडियम इथॉक्साइड, बेटा C2H5OH होता है एथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल का C2H5O- ये क्या बनता है इथॉक्साइड। बच्चों अल्कोहल से बनता है एल्कोक्साइड, राइट, मेथिल अल्कोहल से मिथॉक्साइड, एथिल से इथॉक्साइड, प्रोपिल से प्रोपॉक्साइड, आइसोप्रोपॉक्साइड, आइसोब्यूटॉक्साइड। मैंने एल्डिहाइड कीटोज जब पढ़ाया है तो उसमें कई जगह मैंने कैटलिस्ट का यूज किया है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोब्यूटॉक्साइड, इस तरह से मैंने कैटलिस्ट का वहां पर, सो दिस इज द सोडियम इथॉक्साइड, क्लियर। बेटा यहां पर जैसा मैंने आपको बताया, इसका एक हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकलता है और यह बना लेता है C2H5OH। यहां पर C2H5OH फर्स्ट सबसे पहले रिएक्शन, यहां पर बेटा इसका एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है और हाइड्रोजन अगर इसका बाहर निकलेगा, यू नो ये हाइड्रोजन बाहर निकल गया एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस, ये पहली रिएक्शन से फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनियन, राइट। अब क्या होता है, ये जो होता है हमारा, सॉरी एक मिनट के लिए, ये यहां पर क्या हुआ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और बेटा क्या हुआ यहां पर बचा क्या सोडियम, तो यहां पर आ गया ये आ गया Na+, राइट। तो ये बन गया, ये फॉर्मेशन क्या हो गया बेटा पहली रिएक्शन में एसिटो एसिटिक एस्टर का सोडियम लवण, देखो बेटा इसको शॉर्ट में बोलते हैं एसिटो एसिटिक एस्टर AAE, तो दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ AAE। अब क्या होता है कि ये जो सोडियम सॉल्ट बनता है इस पहली रिएक्शन से, ये एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है और यहां पर बाहर क्या निकलता है NaCl, दिस Cl रिएक्ट विद दिस सोडियम एंड रिमूवल ऑफ NaCl। इस सेकेंड, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट रिएक्शन में, और सेकेंड रिएक्शन में क्या बाहर निकल रहा है NaCl। मैंने दोनों रिएक्शन को एक साथ लिख दिया है, राइट। मैं इसको सेपरेशन कर दिया है, पहली रिएक्शन में ये निकलता है और दूसरे रिएक्शन में जो सोडियम सॉल्ट बनता है एसिटोएसिटिक एस्टर का, दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ AAE, ये जो बाहर निकलता है, ये सोडियम ये जो बनता है ये एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करता है एंड रिमूवल ऑफ Na+ एंड Cl-। और बच्चों यहां पर ये जो एथिल ग्रुप होता है, देखिए आप, दिस इज द एथिल ग्रुप,
तो बच्चों यहां पर CH3 CO CH CH2 CH3 एथिल ग्रुप आ गया और देन COO C2H5। अब इसका हम क्या कराते हैं, राइट देखो बेटा हमने किया क्या है कि एसिटो एसिटिक एस्टर में एल्काइल ग्रुप को ऐड किया है, कहां पर ऐड किया है, मिथाइलिन ग्रुप पर। जैसा मैंने आपसे कहा कि मिथाइलिन ग्रुप इज द रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, राइट। अब हम इसका करते हैं हाइड्रोलाइसिस। कौन सा हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। बच्चों हमें बनाना क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम कौन सा हाइड्रोलाइसिस करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, राइट। सो व्हाट वी आर यूजिंग, डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल स्पेसिफाई है, कंफर्म है, वी आर यूजिंग हियर डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड। और इस तरह से इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल, तो दीज आर द बाय प्रोडक्ट्स। क्लियर। और यहां फॉर्मेशन क्या होता है, CH3 CH2 CH2 COOH लाइक दिस। सो दिस इज द ब्यूटेनोइक एसिड, राइट। ये मैंने आपको प्रिपरेशन बताई है फ्रॉम एसिटोएसिटिक एस्टर। नाउ इन द सेकंड वन, दूसरा मैंने लिखा है बच्चों देखो बेटा बिना मैटर लिखे केमिस्ट्री पढ़ाना बेकार है, क्योंकि हमको ये याद नहीं रहता कि हमने दो दिन पहले सुबह सब्जी क्या खाई थी। इसलिए केमिस्ट्री जैसे विषय के अंदर लिखना बहुत जरूरी चीज है और लिख करके समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको ये बात मेरा तजुर्बे से बता रहा हूं, मुझे 30 साल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हुए होंगे। देखो बेटा दिस इज द मेलोनिक एस्टर, सी दिस इज द मेलोनिक एसिड, राइट। और मेलोनिक एसिड का एस्टर क्या बन गया, C2H5। बेटा आप लोग ये जो फॉर्मूले हैं एसिड्स के, ये सारे मैंने फॉर्मूले ऑक्सेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ल्यूटेरिक एसिड, एडिपिक एसिड, और सक्सिनिक एसिड से मैलिक एसिड, इट्स नॉट मैलेइक एसिड, मैलेइक एसिड एसिड होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर, समपक्ष और विपक्ष, सिस एंड ट्रांस। मैं बात कर रहा हूं मैलिक एसिड, मैलम एप्पल को कहते हैं तो मैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड से मैलिक एसिड एंड टार्ट्रिक एसिड। ये सब मैंने बीएससी पार्ट फर्स्ट स्टीरियो केमिस्ट्री में और बीएससी पार्ट थर्ड एसिटोएसिटिक एस्टर में इन फॉर्मुलों को मैंने डिटेल में बताया है। दिस इज द मेलोनिक एस्टर, राइट, मेलोनिक एसिड का एस्टर। वापस बच्चों देखो क्या होता है, यहां पर आप देखिए दिस मिथाइलिन ग्रुप, जैसे यहां पर हमने देखा था ये मिथाइलिन ग्रुप इज सराउंडेड बाय टू इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स एस्टर्स, तो यहां पर इस पर हाइड्रोजन पहले की तरह कैसी हो जाती है, रिएक्टिव हो जाती है। हमने पहले क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट, राइट, इसका हमने सोडियम सॉल्ट बनाया, क्या बनेगा यहां पर सोडियम सॉल्ट माइनस Na प्लस इसके साथ, और जो हाइड्रोजन है वो क्या बनाएगा यहां पर फर्स्ट रिएक्शन में माइनस C2H5OH सोडियम इथॉक्साइड एंड फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल। ये फर्स्ट रिएक्शन का, ये जो मैंने पहली रिएक्शन कराई है। अब दूसरी रिएक्शन में क्या होता है, ये सोडियम मेटल मैथिल क्लोराइड के साथ क्या रिमूवल होगा यहां पर सेकंड रिएक्शन में माइनस NaCl, राइट, एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस, राइट। अपन इसको हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं मेलोनिक एस्टर का एल्किल डेरिवेटिव। भाई मेलोनिक एस्टर में हमने जो CH2 ग्रुप था उसका एक हाइड्रोजन हटा करके एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया। सी पहले हमने सोडियम सॉल्ट बनाया और उसके बाद उसका एल्काइलेशन करा दिया, राइट। यहां पर हम ये क्या बन गया, डेरिवेटिव ऑफ एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ
मेलोडिक एस्टर। और बच्चों इसका वापस हम क्या कराएंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। भाई हमको कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाने हैं तो हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, अगर हमें कीटोन बनाना होगा तो हम कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, राइट। तो जैसा हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, जो हमारा इच्छित उत्पाद है, उसके हिसाब से हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। और हाइड्रोलाइसिस के लिए एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड वी आर यूजिंग, सो दैट लाइक दिस, ये एस्टर ग्रुप COOC2H5, ये इस तरह से इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। और यहां पर COOH इसका फॉर्मेशन होगा, राइट। इसको जब हम गर्म करते हैं देन दिस इज द डीकार्बोक्सीलेशन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डिहाइड्रेशन। अगर हमें डिसेंट्री डायरिया हो जाता है तो क्या होता है, हमारे शरीर से पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, तो क्या करते हैं हम ग्लूकोज की बोतल या गैलेक्टोज की बोतल या जो भी 450 ml जो भी हमारा फ्लूड आता है उसको हम आईवी हमारे ब्लड में हम उसे करते हैं डिहाइड्रेशन खत्म करने के लिए, राइट। तो दिस इज द डीकार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ CO2 बाहर निकलती है एंड फॉर्मेशन ऑफ, बच्चों दिस कम्स हियर, एक एक स्टेप मैंने क्लियर किया है, एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोपिनोइक एसिड, राइट। नाउ इन द नेक्स्ट रिएक्शन इज द बेयर विलिंगर ऑक्सीडेशन। बच्चों इस ऑक्सीडेशन को, बेयर विलिंगर ऑक्सीडेशन को मैंने एल्डिहाइड कीटोन्स में भी एक्सप्लेन किया है, है ना। यहां पर बच्चों रिएक्शंस का रिपीटेशन हो रहा है, ये रिएक्शन आपके 12th स्टैंडर्ड की है, यहां पर ये 12th के एल्किल हैलाइड्स की रिएक्शन है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो वापस वही रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, यहां पर बेयर विलिंगर ऑक्सीडेशन इसको मैंने कार्बोनाइल कंपाउंड्स पे ऑक्सीडेशन पार्ट में एक्सप्लेन किया है। यहां पर क्या होता है कि हम कीटोन्स का ऑक्सीडेशन यहां पर प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन। आप एक एक स्टेप को बिल्कुल क्लियर लिख के चलिए, इससे आपका कंसेप्ट एज वेल एज प्रेजेंटेशन अच्छा रहे। यहां पर इसका ऑक्सीडेशन होता है, देन फॉर्मेशन ऑफ, बच्चों एसीटोन से क्या बनता है, एस्टर, सी आर सी ओ ओ आर सी एच थ्री सी ओ ओ सी एच थ्री, दिस इज मिथाइल एसिटेट, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ, ये इसका मैंने नाम लिखा है मिथाइल एसिटेट, राइट। बच्चों पर बेंजोइक एसिड से एक ऑक्सीजन यहां पर ऐड होता है, इसका मैकेनिज्म पार्ट भी मैंने कार्बोनाइल कंपाउंड पर डिस्कस किया है, यहां पर इसके बताने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यह पता रखना है कि कीटोन्स का ऑक्सीडेशन पर बेंजोइक एसिड से करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या मिलेगा, यहां पर एसीटोन की रिएक्शन से पर बेंजोइक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन कराने पर वी गॉट दिस मिथाइल एसिटेट एस्टर। और इस एस्टर का जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, सी लाइक दिस, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, देन फॉर्मेशन ऑफ CH3 COOH, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। नाउ आवर नेक्स्ट सिंथेसिस, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की अगली विधि, दैट इज, दिस इज द यू नो आंट इंस्टेंट सिंथेसिस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं उसको, दिस इज आंट, इसके ऊपर रह की मात्रा है, अंग्रेजी में अगर आपसे देखेंगे, दिस इज आंट इंस्टेंट सिंथेसिस। इसमें इस मेथड में बच्चों क्या होता है कि जो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, राइट, लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड से मतलब है कि जिनमें दो कार्बन है, तो दो कार्बन वालों से क्या बन रहे हैं, 1, 2, 3, 3 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स, राइट। मैं इसको इस तरह से कह दूं, मैंने यहां पर लिखा है इस विधि में निम्नतर कार्बोक्सिलिक अम्लों से उच्चतर कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण होता है, उच्चतर सजात, राइट, यानी कि कम कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड से हम अधिक कार्बन संख्या वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण इसमें करते हैं, राइट। रिएक्शन, दिस इज द एसिटिक एसिड,
दिस इज 1, 2 एथेनोइक एसिड. बच्चों SOCl2 इज ए वेरी गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट. यहां पर जब इसकी रिएक्शन होती है तो यहां पर एक तो निकलती है SO2 गैस और एक निकलता है HCl. दिस इज द थायोनाइल क्लोराइड, राइट. अगर आप थायोनाइल क्लोराइड की बोतल रेनी सीजन में अगर आप खोलेंगे तो बहुत तेजी से फ्यूम्स बाहर निकलती हैं सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl की, यानी कि रिएक्ट बहुत तेजी से वाटर के साथ, नमी के साथ रिएक्शन करता है. तो हम एसिटिक एसिड का क्लोरीनेशन करा रहे हैं किसके किसके साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ. और यहां पर दीज जो इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं बोथ आर गैसेस वो रिमूव हो जाते हैं एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस एसिटिल क्लोराइड, राइट. ये बच्चों ये भी 12th की रिएक्शन है, 11th की रिएक्शन है जो आपने एसिटिल क्लोराइड के फॉर्मेशन में पढ़ी है. हम एसिटिक एसिड से बनाते हैं बाय यूजिंग PCl3, बाय यूजिंग PCl5, बाय यूजिंग SOCl2. सो दीज आर द कॉमन रिएजेंट्स फॉर द क्लोरीनेशन, है ना, क्लोरीनीकरण के लिए फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड दिस यू नो SOCl2. सो दीज आर द कॉमन रिएजेंट, ये कॉमन रिएजेंट्स है द फॉर्मेशन ऑफ दिस. अब देखो बेटा एक इंटरेस्टिंग चीज, इस एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन डाई एजो, एक नाइट्रोजन को एजो कहते हैं, ये दो नाइट्रोजन है, दिस इज डाई एजो मीथेन, इसके साथ रिएक्शन होती है. तो बच्चों होता क्या है, इसका एक हाइड्रोजन और Cl रिमूव एज HCl और फॉर्मेशन क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड CHNH2 लाइक दिस. आगे इसके मैकेनिज्म में किस तरह से बताया हुआ है कि यहां पर ये N2 बाहर निकलती है और यहां पर बच्चों इस कार्बन के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन्स, मैंने यहां पे लिखा है कार्बीन, राइट. कार्बीन्स में क्या होता है, हिंदी शब्द में बता रहा हूं आपको, कार्बीन्स में असहभाजित इलेक्ट्रॉन युक्त, दिस इज द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं होता, दिस इज द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो बच्चों इस ये बच्चों कौन सा है, एसाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप, इसका नाम मैंने लिखा है एसाइल कार्बीन, दिस इज द एसाइल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, ये सब 12th का कंसेप्ट है सारा. तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एसाइल कार्बीन. तो देखो बेटा क्या होता है, इस एसाइल कार्बीन के अंदर रीअरेंजमेंट एंड दिस इज द वुल्फ रीअरेंजमेंट. रीअरेंजमेंट में क्या होता है, दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर सो दैट दिस मिथाइल ग्रुप शिफ्टेड हियर. तो फॉर्मेशन क्या हो गया, CH3, ये CH3 इधर आ गया, CH3 के बाद CH, उसके बाद डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, इस तरह का एक रिएक्शन में एक बीच का एक प्रोडक्ट, बीच का एक इंटरमीडिएट बनता है, राइट. इट्स नॉट अ प्रोडक्ट, इट्स ए इंटरमीडिएट, बीच का. अब यहां पर इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो देखो बेटा इस हाइड्रोलाइसिस में ध्यान रखना, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसमें H यहां पर और OH यहां पर, इस तरह से ये एडिशन रिएक्शन होती है एंड फॉर्मेशन ऑफ देखो CH3, मैं इसको और क्लियर कर देता हूं. चलिए यहां पर क्या फॉर्मेशन हो गया, CH3 CH2. नाउ ये बॉन्ड ऑब्वियसली ये बॉन्ड इधर बनेगा, ये बॉन्ड इधर बनेगा, देन यहां पर COOH. तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, राइट. मैंने कोशिश की है एक एक कार्बोक्सिलिक एसिड के सिंथेसिस को प्रॉपर वे में प्रेजेंट करने की. मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आएगा. So thank you very much in this third lecture. Thanks.